किसान आंदोलन जहां एक साल पूरे कर चुका है तो वहीं मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को लेकर बैकफुट पर भी आ चुकी है और प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। लेकिन बावजूद उसके हरियाणा और पंजाब की सड़कों पर एक बार फिर से किसानों के जत्थे और ट्रैक्टर मार्च दिखाई दे रहे हैं। बात करने के लिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हमारे साथ मौजूद है। विज साहब, तीनों कृषि कानून रद्द हो गए लेकिन सड़कों पर किसान और ट्रैक्टर दोबारा दिखने लगे हैं। देखिए, आज इनको एक वर्ष हो गया धरने पर बैठे हुए। एक वर्ष के दौरान आप इनकी प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप खबरें निकलवाओ। इन्होंने सब जगह पर ये कहा है कि तीन कानून वापस करो तो हम घर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने तीन कानून वापस कर दिए। आपकी और मांगे भी हो सकती हैं, लेकिन पहले उसके लिए तो प्रधानमंत्री का जिंदाबाद करो, उसके लिए तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करो। आपने उसके लिए कहीं भंगड़ा नहीं डाला, उसके लिए आपने कोई खुशी नहीं मनाई, उसके लिए आपने कोई जलेबियाँ नहीं बांटी। आप पहले उसका तो धन्यवाद करो और इस प्रकार से आगे आगे मांगे उठाई जाना तो आंदोलन की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। विज साहब, अब किसान नेता कह रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून आपने वापस ले लिए, लेकिन सवाल अब MSP का है, 750 किसान शहीद हुए उनके मुआवजे का है और इसके अलावा अन्य मांगे हैं, उन पर आप क्या करेंगे, क्या सरकार करेगी? देखिए, सरकार ने अपने बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं। प्रजातांत्रिक देश है, हर व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं और इनको तो कई बार कहा कि आप आइए और बात करिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मेरा एक टेलीफोन करिए, हम बातचीत करेंगे। ये बताएं इनमें से किसी ने टेलीफोन किया? ये बताएं, जब कृषि मंत्री तोमर जी ने इनको इनवाइट किया तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्ड करा? इनका तो ऐसा लगता है कि कोई हिडन एजेंडा और है, इनका कोई किसानों के हित से ही ताल्लुक रखने वाली बात नहीं है। अगर किसानों से हित की बात होती तो प्रधानमंत्री जी के ये कहने के बाद कि एक फोन कॉल दूर हूँ, इनको सबको जाना चाहिए था, ये एक बार भी नहीं। आखिरी सवाल आपसे, क्या दिल्ली की सड़कों पर फिर से 26 जनवरी वाला मंजर दिखेगा? क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की सड़कों पर 29 तारीख को संसद सत्र वाले दिन निकालेंगे। सरकार की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हरियाणा का भी और दिल्ली का भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। धरना प्रदर्शन देना प्रजातंत्र में ये इसका अंग है, उसके बारे में हम कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन किसी को भी कानून व्यवस्था भंग करना नहीं दी जाएगी। तो हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, अम्बाला, आज तक।